तो आज हम फोटोशॉप में सीख रहे हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस में एक और इसका जो इफेक्ट है जिसका नाम है स्ट्रोक। अब बेसिकली स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक हम जो हमारे टेक्स्ट होते हैं उसके जो आउटलाइंस को हम फिलअप करते हैं उनको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो किस तरह से हम पहले इसको टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमने इसको जूम कर लिया और जूम करके मैंने इसको चेक किया कि मेरा ये वाला टेक्स्ट है, और इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ से क्लिक किया इफेक्ट्स के ऊपर, और यहाँ से मैंने ऑप्शन लिया है ब्लेंडिंग ऑप्शंस का। जैसे ही ब्लेंडिंग ऑप्शंस में मैं गया हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पर ये स्ट्रोक का जो है आपका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो इफेक्ट का स्ट्रोक है इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसको तीन स्टाइल में अप्लाई कर सकते हैं। एक इनसाइड स्ट्रोक के तौर पे, एक आउटसाइड स्ट्रोक के तौर पे, और एक सेंटर स्ट्रोक के तौर पे। और इससे भी आप काफ़ी आर्टिस्टिक और स्टाइलिश जो है वो आप जो है टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हल्की सी क्लिक करने पर ही आपका जो टेक्स्ट है कितना विजिबल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रोक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये स्ट्रोक कौन सा स्ट्रोक अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे जो इसके कंट्रोल्स हैं उसमें एक साइज है, दूसरा इसकी पोजीशन है, तीसरा ब्लेंड मोड है, चौथा ऑपेसिटी है, पांचवा फिल टाइप है, और छठा जो इसका कलर है। अभी जो फिल टाइप है इसकी कलर है, और इसमें जो कलर आपने यूज किया है वो ब्लैक यूज किया है। अब यहां से हम क्लिक करके हम जो कलर चाहें हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आप चाहें यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, डार्क ग्रीन कर सकते हैं, और ये एक बेहतरीन किस्म का पैकेज बन जाएगा और ये आपका टेक्स्ट परफेक्ट इस पर एडजस्ट हो जाएगा। अब जो भी कलर आपने इस पर सेट किया वो की कर दिया तो वो इसके स्ट्रोक पे अप्लाई हो गया। अब स्ट्रोक की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ से साइज को आप जैसे जैसे एक्सटेंड करेंगे तो उसका स्ट्रोक बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रोक कहाँ बढ़ेगा, स्ट्रोक कहाँ बढ़ रहा है? यहाँ पे बता रहा है पोजिशन। पोजिशन में क्या बता रहा है? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब ये है कि ये स्ट्रोक जो है वो टेक्स्ट के अंदर नहीं बढ़ेगा बल्कि टेक्स्ट के बाहर वाले हिस्से को कवर करेगा। नोट कीजिएगा, देखें ये इससे क्लोज हो जाएगा और ये इससे क्लोज हो जाएगा। मैं जैसे जैसे स्ट्रोक को बढ़ाऊंगा, ये देखिए, देख रहे हैं, तो आउटसाइड का मतलब है कि स्ट्रोक कहां पे बढ़ेगा? बाहर की तरफ बढ़ेगा। और इस तरह से आप जितना स्ट्रोक चाहे बढ़ा दें, और बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलके भी एक इफेक्ट क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद उस इफेक्ट पे भी आप क्लिक करके कोई दूसरा कलर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह के बड़े आर्टिस्टिक टेक्स्ट लगा के बिल्कुल विजिबिलिटी के साथ भी आप ये यूज कर सकते हैं, और ये इस तरह से स्ट्रोक से आपका टेक्स्ट जो है बहुत ज्यादा विजिबल हो जाएगा। तो यहां पर आप स्ट्रोक को इस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमने देखा स्ट्रोक को आउटसाइड पे लगा के देखा और सिंगल कलर के साथ करके देखा, अब हम इसको कर रहे हैं ओके। अच्छा, ओके करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसकी ऑपेसिटी, स्ट्रोक का जो कलर है वो कितना डार्क और कितना लाइट हो। तो अगर लाइट करना है तो यहां से इसको आप जितना चाहें यहां से इसको लाइट कर सकते हैं, और जितना चाहें इसको आप यहां से डार्क कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहां से तो ये बढ़ता चला जाएगा, और इसको ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये स्ट्रोक इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब देखिए यही आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट में देखें कितना फर्क आ रहा है। सेम जूम लेवल पे आप देखें, यहां से आपको ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है और ये आपको थोड़ा सा फैट सा नजर आ रहा है। अब आप आते हैं एक दूसरे ऑप्शन के ऊपर जो है आउटसाइड स्ट्रोक। अब इसको थोड़ा फोकस करते हैं आउटसाइड स्ट्रोक को। तो अब यहां से आ गए इस वाले टेक्स्ट के ऊपर, और उस पर क्लिक करके हमने यहां से ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे चले गए, और यहां पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है जिसका नाम है स्ट्रोक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रोक जो है बेसिकली यहां पे क्लिक करके, अच्छा अभी हमने उस पर आउटसाइड अप्लाई कर दिया, नाम से कौन सा था, इनसाइड करना था उस पर, ठीक है चले, अब वो नाम इसका आगे पीछे हो गया, इसको हम रख देते हैं आउटसाइड, और इसको हम कर लेते हैं इनसाइड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा सेट हो जाएगा ओके। अब इनसाइड स्ट्रोक जब आप अप्लाई करेंगे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, तो इसको देखें किस तरह से अप्लाई करना है। ये हमने थोड़ा जूम करके आपके लिए रख दिया सामने, क्लिक किया इसके ऊपर, और इस पर क्लिक करके हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले गए। सिमिलरली हमने उसी तरह से इफेक्ट पे क्लिक करना है जो हमने अभी देखा था स्ट्रोक। जैसे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, यहां से क्लिक करेंगे आउटसाइड के बाद इनसाइड के ऊपर। अब होगा ये कि जब आप स्ट्रोक को एक्सटेंड करेंगे तो पहले तो देखिए टेक्स्ट थोड़ा सा, देखिए आउटसाइड और इनसाइड में क्या फर्क है, पहले टेक्स्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड हुआ, जैसे ही मैंने इनसाइड किया तो वही स्ट्रोक अंदर की तरफ जब आया तो पीछे लेटर्स के दरमियान में काफी स्पेस आ गया। देखें अभी लेटर्स के दरमियान का स्पेस कम हो गया और लेटर के दरमियान का स्पेस बढ़ गया। अब अगर आप इस स्ट्रोक को बढ़ाएंगे तो ये इनसाइड बढ़ेगा और आपके अंदर के कलर को जो है ओवरकम करना शुरू कर देगा। तो ये आप देखें यहां से इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम एक इफेक्ट ये भी बना सकते हैं कि साथ साथ अगर हम कलर ओवरले पे क्लिक करें और यहां से हम इसको एक डार्क
कलर दे दें, तो हम इसके साथ एक लाइट स्ट्रोक भी बना सकते हैं, या फिर डार्क की बजाय हम यहाँ पे एक लाइट स्ट्रोक भी इस तरह का दे सकते हैं, और इसको मजीद लाइट करने के लिए हम यहाँ से ये स्ट्रोक्स भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, और इस तरह के स्ट्रोक से ये हमारा टेक्स्ट की विजिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी, जैसे कि इस तरह का स्ट्रोक का लगा सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन ये इनसाइड है, अगर आप इसको आउटसाइड करेंगे तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा, और इनसाइड करेंगे तो टेक्स्ट के अंदर वाले हिस्से को ये कंज्यूम कर लेगा। साथ ही हम इसके साथ ये देखते हैं कि अभी हम सॉलिड कलर को अप्लाई कर रहे हैं, हम सॉलिड कलर के बजाय हम यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करके ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप स्ट्रोक्स में भी आप ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से हम दोबारा से जाते हैं कलर ओवरले पे और यहाँ पे क्लिक करके एक लाइट कलर का इस पे टेक्स्ट लगाते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट लगा के दिखाता हूँ आपको, तो स्ट्रोक पे क्लिक किया और ये ग्रेडियंट एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर आपके पास बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं, जो ग्रेडियंट चाहें आप अपने स्ट्रोक्स पे लगा सकते हैं और इस तरह के टेक्स्ट को बेहतर तरीके से बना के आप दिखा सकते हैं। ये देखिए अगर आपको और मजीद ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है तो यहाँ चले जाएं और यहाँ पे बनी बनाई सीरीज जो पैकेजेस हैं वो ग्रेडियंट के रखे हुए हैं, इनमें से आप कोई भी एक ग्रेडियंट ले सकते हैं और उसको क्लिक करेंगे ओके करने पे, ये देखें इस पे ग्रेडियंट इस तरह से अप्लाई होगा। अच्छा, अब ग्रेडियंट हमने लगा लिया, इसको मैं दोबारा रीसेट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ ताकि मेरा पहले वाले ग्रेडियंट आ जाए, और अब मैं ये वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट करता हूँ। तो ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद फिर हमारे पास वही स्टाइल है, लीनियर है, रेडियल स्टाइल है, तो इसके अंदर देखिए सर्कल में शेड्स को घूम रहे हैं, और यहाँ पे आप एंगल पे लगा सकते हैं, एंगल के बाद आप इसको रिफ्लेक्टेड लगा सकते हैं, और फिर इसको डायमंड शेप में, और फिर आप इसको जिस तरह से चाहें दिखा सकते हैं। तो मैं इसके लिए अगर डायमंड वाला सही लग रहा है तो ज़्यादा बेहतर है, एंगल को भी चेंज कर सकते हैं, एंगल को जैसे चेंज करेंगे तो कलर का इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट जगहों पे अप्लाई होगा। ये देखिए ऐसे इस एंगल पे लगाएंगे, इस एंगल पे लगाएंगे तो इनके जो इम्पैक्ट हैं वो चेंज होते चले जाएंगे, क्योंकि अब ये रेडियल है तो ये गोलाई में कलर आ रहे हैं, और लीनियर होगा तो ये शेड्स इस तरह से फैलेंगे, फिर एंगल को आप अपने हिसाब से देखें कैसे, ये देखें इस तरह से कलर शेड्स फैल रहे हैं। फिर स्केल कलर शेड का कितना कम करना है, तो बिल्कुल येलो, फिर उसके बीच में कलर है जो ब्लू कलर है वैसे हो गया, और आप अपनी मर्जी के फैलाना चाहें कलर्स को इस तरह से भी फैला सकते हैं, जितना आप चाहें अपने कलर को स्प्रेड लेवल पे यहां से दे सकते हैं। तो इस तरह आप ग्रेडियंट स्ट्रोक्स भी बना सकते हैं, साथ साथ इसमें ड्रॉप शेडो भी लगा दें, तो ये देखें इस तरह के अच्छे से टेक्स्ट बन जाएंगे जो दूर से विजिबिलिटी अपनी जाहिर करेंगे। और कलर ओवरले पे क्लिक करके आप चाहें कलर व्हाइट की जगह पे थोड़ा सा ग्रे लगा दें, तो ये अंदर देखें ग्रे कलर हो गया, डार्क डाल देंगे तो कुछ बुरा ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इस तरह के टेक्स्ट भी हम इस पे बना सकते हैं, और ये इस तरह से नजर आ रहे हैं। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करके हम यहाँ से थोड़ा सा जो हमने कल सीखा था कि इस तरह की चीज को भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें साइज को हम थोड़ा सा कम करके ऐसे टेक्स्ट को दिखा सकते हैं। अब जैसे ही इसको ग्रेडियंट के साथ ओके करेंगे तो ये टेक्स्ट और उन टेक्स्ट की दोनों की विजिबिलिटी आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है सेंटर स्ट्रोक। सेंटर स्ट्रोक में क्या होता है कि अगर आप अपने टेक्स्ट को जो है सेंटर स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और दोबारा से क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो इसमें दोबारा से स्ट्रोक्स के लिए ही होगा, जैसे क्लिक करेंगे स्ट्रोक्स पे, और यहाँ पर आप ऑप्शन लेंगे यहाँ से सेंटर का। सेंटर में जब आप लेंगे तो अब जब आप इसके साइज को एक्सटेंड करेंगे तो आप नोट करेंगे कि साइज दोनों साइड पे ये बढ़ रहा है, मतलब जितना बाहर की तरफ निकल रहा है उतना ही अंदर की एरिया को भी ये कवर कर रहा है। इसकी एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं कि अगर मैं आउटसाइड कर दूंगा तो ये बाहर की तरफ चला गया, मिल गया आपस में, और इनसाइड कर दूंगा तो ये अंदर का इतना हिस्सा इसने कंज्यूम कर लिया, और अगर मैं सेंटर रखूंगा तो ये देखिए सेंटर में इस तरह से नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑपेसिटी अगर इनकी कम ज्यादा करनी हो तो यहाँ से की जा सकती है, हल्के कलर करके दिखाने तो ये हल्के कलर में दिखाएंगे। अब तीसरा एक इसमें ऑप्शन है पैटर्न का, मतलब आप इसमें पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक करें पैटर्न पर तो देखें इस तरह के पैटर्न आपको बने बनाए इसके अंदर मिल जाएंगे फोटोशॉप के अंदर। ये वाला पैटर्न भी हम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा ये वाला पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। अब जो पैटर्न आपको चाहिए वो यहाँ से आप यूज कर लें, जो इसके ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, और पैटर्न के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये पैटर्न के पैकेजेस मौजूद हैं जिसमें से आप पैटर्न ये वाला ले लें, तो इसमें अपने पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं, जैसे ये वाला लगा सकते हैं आप, ये वाला पैटर्न यूज कर सकते हैं, ये पैटर्न यूज कर सकते हैं, ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। अब जो पैटर्न आपको इस पर लग रहा है कि वो इस पर लगने के बाद बेहतर दिख रहा है वो आप पैटर्न इसके ऊपर लगा के यूज कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि अपने पैटर्न किस तरह से बनाते हैं तो वो भी हम इस पर देख सकेंगे और उनको भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। स्केल को हम ज़्यादा कम भी कर सकते हैं जिससे इसका स्केल बढ़ा भी सकते हैं और ये इस तरह से भी आपको दिखाने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी ऑपेसिटी को कम ज़्यादा करना चाहें और इसके साइज को भी यहाँ से कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इसके जो सेंटर के अलावा आउटसाइड भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए आउटसाइड में ऐसे नजर आएगा, इनसाइड भी कर सकते हैं आप इसको, फिर ये इस तरह से नजर आएगा और फिर सेंटर भी आप इसको इस तरह से करके देख सकते हैं। मजीद पैटर्न के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है पैटर्न टू पे क्लिक करें, यहाँ से क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ पे देखें इस तरह के पैटर्न भी आपको बने बनाए मिल जाते हैं जिसमें आप ये वाला पैटर्न है भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है। फिर उन पैटर्न की स्केल को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा कि वो आपको नजर आए, और फिर उसको यहाँ से सेंटर या आउटसाइड जैसे आपको बेहतर लग रहा है टेक्स्ट के ऊपर वैसा आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और ये फिर टेक्स्ट आपका वैसे नजर आएगा। साथ में आप ड्रॉप शेडो भी लगा सकते हैं इसके, और कलर ओवरले की अगर ज़रूरत है तो वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। कलर ओवरले पे क्लिक करें, कोई और कलर आपको इस पर लग रहा है कि वो सेट रहेगा तो वो कलर भी हम इसके ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं अगर वो इस पर सूटेबल लगता है तो। ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये देखिए हमने तीनों तरीके से स्ट्रोक को लगाना सीख लिया और तीनों स्टाइल्स में सीख लिया। ये हमने सीखा सॉलिड कलर के अंदर, ये हमने सीखा ग्रेडियंट के अंदर, और ये हमने सीखा सेंटर स्ट्रोक के अंदर, ठीक है ना, जिसमें हमने पैटर्न के जरिए लगा के देखा कि इसके स्ट्रोक पर पैटर्न कैसे लगता है। अब आते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पर हम शेप के ऊपर भी यही सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये हमारा शेप है फॉर एग्जाम्पल, इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ से क्लिक करके हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले गए और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस को एक्टिवेट कर दिया, और यहाँ से क्लिक करके हमने जो है इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और फिर इसको जो है यहाँ पर रख लेते हैं। तो अब इसको भी स्ट्रोक लगाएं, देखिए स्ट्रोक जैसे इस पर लगेगा तो इस पर भी यही स्ट्रोक इस तरह से काम करेगा। अंदर के लिए मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ, क्लिक किया मैंने यहाँ पे और यहाँ से क्लिक करके मैंने एक इसको कलर दे दिया, सपोज लाइट कलर दे दिया। अब देखिए इसके ऊपर हमने जो स्ट्रोक अप्लाई किया है वो एक डार्क कलर का स्ट्रोक है और वो आउटसाइड है, तो इसके साइज को भी हम यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इसके बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली बन गए जो इसके स्ट्रोक का काम कर रहे हैं। आउटसाइड के बजाय इनसाइड करेंगे तो फिर ये इनसाइड की तरफ बढ़ेगा, ये इस तरह से आपके लिए एक फ्रेम बन जाएगा, यानी कि आपको कोई फ्रेम बनाना है तो देखिए इस तरह से एक फ्रेम बन जाएगा। किसी भी कलर का बना सकते हैं, यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो कलर चाहें आप यहाँ से ले लें, ओके करें और यहाँ से ये चीज़ इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आउट सेंटर रखेंगे तो फिर दोनों साइड पे ये इस तरह से बढ़ेगा, अंदर भी और बाहर भी। तो ये डिपेंड करता है आपको सिचुएशन क्या है, किस तरह से आप इस पर काम करना चाह रहे हैं, आउटसाइड इनसाइड उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से क्लिक करके ऑपेसिटी को कम करना चाहें तो वही सेम ऑपेसिटी कम करके आप इस तरह से दिखा सकते हैं। कलर के बाद अगर आप इसको ग्रेडियंट लगाना चाहें तो ग्रेडियंट शेड भी इस पर लगा सकते हैं। तो किस तरह से स्ट्रोक पे ग्रेडियंट शेड लगेगा, ये देखिए इस तरह का ग्रेडियंट इसके फ्रेम्स पे भी अप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से ये बॉक्सेस भी जो है आपके जो शेप्स के आउटलाइन है या स्ट्रोक्स हैं वो आपके इस तरह से कलरफुल और इस तरह से दिखाई देने लग जाएंगे। फिर उसके बाद वो ग्रेडियंट के लगाने के बाद आप उसको लीनियर में देख सकते हैं, रेडियल में देख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड में देख सकते हैं, या फिर डायमंड के तौर पे देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको सूट लगता है वहाँ से वो आप कर सकते हैं। लीनियर के बाद एंगल पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हैं, किस एंगल पे चाहें आप कलर शेड लगाना उस एंगल पे वो कलर शेड इसी तरह से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट के साथ साथ आप इसको पैटर्न भी लगा सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न लगा दें, इसके बॉर्डर्स पे पैटर्न आ जाएगा, फिर जिस तरह का पैटर्न आप चाह रहे हैं इस पे वो पैटर्न लगा दें, और उसके बाद इसको यहाँ से कम ज़्यादा उसका स्केल लेवल सेट कर दें ताकि उस तरह से आपको नजर आए। साथ साथ ड्रॉप शेडो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आप इसका डिस्टेंस और इसका स्प्रेड लेवल बढ़ा के इसको उसी तरह से विजिबल कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं, तो ये आपको वैसे अपनी विजिबिलिटी शो करेगा। और साथ साथ आप इसके ऊपर जो है कलर ओवरले भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप जो है शेप के साथ भी कर सकते हैं, वेदर वो ये वाला शेप हो या वो वाला शेप हो। अब इस शेप के साथ अगर हमें कोई ऐसा काम करना है तो इसको क्या करेंगे, तो इसको भी हमने यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस में ले गए और यहाँ क्लिक करके हमने इसके ऊपर एक और स्ट्रोक लगाना है, तो इस पर पहले क्लिक किया, यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक किया, और जैसे ही ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक किया तो यहाँ हमें स्ट्रोक मिल गया। अंदर से मुझे इसको थोड़ा सा खाली करना था, तो अब ये खाली कैसे करेंगे इसको, फिलहाल तो हम ये करते हैं जो बैकग्राउंड का कलर है वही कलर इसका कर देते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि ये बैकग्राउंड का कलर कौन सा है मुझे पता नहीं चल रहा, तो जब आप कलर पिकर खोलेंगे तो आप जब किसी भी कलर पे जाएंगे तो देखें आपको वहाँ पे आई ड्रॉपर टूल मिल जाएगा, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो कलर पिक करके यहाँ पे सेट कर देगा। ये फोटोशॉप की बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है कि आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये कलर यहाँ पे सेट हो जाएगा, जैसे आप इधर क्लिक करेंगे ये कलर यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो आपको कलर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कलर ऑटोमेटिकली फोटोशॉप पिक कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ओके कर दिया, और जैसे इसको मैंने यहाँ से ओके किया तो इसके बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई हो गया, स्ट्रोक लगाया इसके ऊपर। अब देखें इसके ऊपर हमने किस तरह का स्ट्रोक लगा दिया, और स्ट्रोक लगाने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे ही स्ट्रोक पे क्लिक किया यहाँ से हमने इसको बढ़ा दिया स्ट्रोक को, तो ये स्ट्रोक बढ़ जाएगा, और यहाँ से इनसाइड आउटसाइड कहीं भी कर सकते हैं, कलर्स पे सेट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, और अगर आप चाहें तो इसको ग्रेडियंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ग्रेडियंट्स के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं, तो ये देखिए इस तरह से आप इसको सेट कर लें, और ये आपका स्ट्रोक इस पर लग गया, इसका जो थिकनेस है वो यहाँ से आप इसको बढ़ा लें और इसको ओके कर दें। तो ये देखिए शेप पर भी ऐसे स्ट्रोक लगाया जा सकता है। अब रह गया कि क्या स्ट्रोक हम पिक्चर्स पे भी लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, जैसे मेरे पास ये वाली फोटो किसमें एडिट किया था, चले पहले एक फोटो को लेते हैं, उसमें से फोटो को अलग करते हैं और फिर उस पर हम एक स्ट्रोक लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ से गए डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ से गए लेटेस्ट पर, और
लेट सपोज ये एक फोटो है जिस पे हम एक स्ट्रोक लगाना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको ने डबल क्लिक किया, ओके किया, और यहाँ से ले लिया हमने पहले इस पिक्चर को अलग करना है, तो क्विक सिलेक्शन टूल ले लिया, इसको ऐड सिलेक्शन मोड में रखा और यहाँ से अपने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारी पिक्चर सिलेक्ट हो गई। ओके ठीक है, तो ये पिक्चर हमारी सिलेक्ट हो गई। अब इसको थोड़ा जूम करके हमने जो ये एक्स्ट्रा एरियाज हैं इसको ऑल्टर के साथ हमने जैसे सीखा कि लास्ट टाइम हम इसको थोड़ा कम करेंगे और ऑल्ट का बटन दबा के इसको यहाँ से इन एरियाज को निकाल देते हैं। तो यहाँ से हमने इन एरियाज को निकाल दिया और यहाँ से हमने इन एरियाज को भी निकाल दिया, और जो एरिया ऐड करने हैं वो यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपने सिंपली क्या करना है कि जैसे यहाँ पर इस पिक्चर को यहीं पर ही स्ट्रोक देना है, वैसे हम यहाँ से इसको कॉपी करके कहीं और भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसी पिक्चर को यहीं पे ही स्ट्रोक दे दें। तो एक तो कॉपी करके ले जाने वाले में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे कंट्रोल सी, और जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे रख के इसको करेंगे कंट्रोल वी, और फिर इसको यहाँ से ले जाके उसको वहाँ पे सेट कर देंगे। चश्मा एक सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है चलो हो रही है। वो मुझे दिखा नहीं था ये चश्मा रही है, इसको एड सिलेक्शन में डाल देते हैं, यहाँ से ये एड सिलेक्शन में डाल दिया। ठीक है अब सेट है, तो ये दोबारा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे ले जाके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पिक्चर सही तरह से आ गया। अब इसको हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये डिलीट हो गया यहाँ पे ये वाला और यहाँ गया। अब इस पिक्चर को मैंने उठा के इस फ्रेम के अंदर रख दिया, तो पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको फ्रेम को रख दिया। अब यहाँ पे मुझे इसको स्ट्रोक लगाना है। सिमिलरली मुझे सिंपल सा क्या करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है और यहाँ से आके इसको थोड़ा सा यहाँ से मूव करना है, मूव टूल। अच्छा उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है स्ट्रोक पर, तो ये देखें इसके चारों तरफ स्ट्रोक आ गया। अब इस पर किस तरह का स्ट्रोक सही रहेगा, व्हाइट कलर का स्ट्रोक लगाना है, रेड कलर का स्ट्रोक लगाना है, आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब पे इस तरह के बने हुए होते हैं और उनके साइड में इस तरह का आउटलाइन आ रहा होता है, तो वो सिमिलरली इस तरह स्ट्रोक से आप दे देते हैं और वो उसको थोड़ा सा विजिबल कर देगा। अब ये मैंने इसको इस तरह से लगा दिया और इसको क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब इसमें मैंने क्या करना है कि इसको इसको फ्रेम से थोड़ा बाहर निकलता हुआ दिखाना है कि ये फ्रेम से थोड़ी बाहर आ रहा है, तो मैंने इसको क्लिक करके ओके किया और यहाँ से इसको क्लिक करके मूव टूल लिया, कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म किया और इसको इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, तो ये ऊपर कर दिया। तो ये देखें ऐसा लगेगा ये फ्रेम से थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ आ रहा है, और अगर इसके थोड़े हाथ वाथ को थोड़ा और बाहर निकालना है तो ये ऐसे करके, तो ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है तो ये ऐसे करके, ये लीजिए, तो ये पिक्चर में ऐसा इफेक्ट आएगा कि ये ऐसा जाहिर होगा कि ये इस फ्रेम से बाहर निकल के आ रहा है। तो ये देखिए इस तरह से अभी हम इस पर स्ट्रोक लगा सकते हैं, और अगर उसी पिक्चर में उसी जगह पे आपने स्ट्रोक लगाना है तो अब आप क्या करेंगे, इसकी ट्रिक को ये करते हैं, यहाँ पर आप दबाएंगे कंट्रोल जे, क्या दबाएंगे, जैसे जे दबाएंगे तो हुआ ये कि जो सिलेक्टेड एरिया था उसमें से वो कॉपी निकल के अलग से आ गई है, अब वो दो लेयर हो गई है, ये एक ओरिजिनल पिक्चर है, ये पूरी पिक्चर है और ये इसके ऊपर हमने अलग से ले लिया है। तो यहाँ से क्लिक करके हम जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में और यहाँ से जाके हम क्लिक करेंगे स्ट्रोक पर, तो जैसे ही स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको व्हाइट कलर दे देते हैं और फिर इसको क्लिक करके आउटसाइड पे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये देखें विजिबिलिटी आ गई इसके ऊपर। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को जब किसी पिक्चर में विजिबल करना होता है तो हम उसको उसी पर सिलेक्ट करके इस तरह से भी स्ट्रोक लगा सकते हैं ताकि वो उस पर ज़ाहिर हो जाए। ऐसे बहुत सारे थंबनेल आप देखते होंगे यूट्यूब पर, तो वो इस तरह से ईजिली इस पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। इसके अंदर किस तरह से आप शेप पर, टेक्स्ट पर और मल्टीपल चीज़ों पर स्ट्रोक दे सकते हैं, तो इसको इस तरह से आप इजीली करके देख सकते हैं।